नमस्कार मार्केट राउंडअप तुम्हारा स्वागत है। मार्केट्स पर नजर कर लीजिए, आज दिवसे जो मैसिव क्रैक आपने देखा है, एक्चुअली क्रूड ऑयल प्राइसेस खासा वत्ता देखाया था, रूपी में ऑलमोस्ट 72 ना लेवल्स अब बधुज समअप करवा जाइए, मार्केट्स ने थोड़क नेगेटिव रिएक्शन एना माटे आप्यु छे, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स नीचे हवे आपणे 10800 ना लेवल्स नी आसपास ट्रेड कर्या छे। एटले मैसिव क्रैकडाउन जो हतो एनी अंदर ग्लोबल फेक्टर्स हता जे सौथी वधारे कारण हता, तो ये ध्यान रखू जो जयरे सेंटिमेंट सुधरत देखाशे त्यार बाद आपणे थोड़ुंक एक पर्सपेक्टिव्स पर ध्यान रखता रहीशुं। बट एज ऑफ नाउ ओवरऑल आज दिवस में अँ आगे जो वीकनेस थयुं छे वीकनेस कंटीन्यू थाय छे के नहीं पर फोकस करता रहीशुं। ए सिवाय बैंक निफ्टी मेक्सिमम क्रेक थतुं आज देखायुं 27131 ना लेवल्स अने 723 पॉइंट्स नीचे ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स जेटलो क्रेकडाउन 1.5% नो फॉल बैंक निफ्टी माटे। एटले सौथी वधारे जे मार्केट्स ने ड्रेग करता देखाया था बैंकिंग काउंटर्स हता, अने एमां भी स्पेशली प्राइवेट बैंक्स तरफथी आपणने जे क्लियरली थोड़ुं ड्रेगडाउन आवतुं देखायुं छेला बे के त्रण दिवसनुं तो हतुं ज, बट ए सिवाय भी अहीं आगळथी थोड़ीक नर्वसनेस आगळ वधती भी देखाई अने मिडकेप तरफथी पण कोई सपोर्ट ना मळ्यो। 300 पॉइंट्स थी वधारनो क्रेकडाउन मिडकेप इंडाइसिस में पण 15630 ना लेवल्स, मिडकेप इंडाइसिस नी अंदर जे काउंटर्स हता स्पेसिफिकली त्यांथी पण आपणने थोड़ुंक नेगेटिव रिएक्शन आवतुं देखायुं। एडवांस डिक्लाइन नजर करी लो, सवारना सेशन में आपणे ज्यारे शुरुआत करी ऑलमोस्ट 1:1 मेइनटेन हतो, एनी सामे 1.5 स्टॉक्स दबाणमां जेनी सामे एकाद काउंटर आपणने थोड़ुं घणुं पॉझिटिव देखाई रह्युं हतुं। ओवरओल बधा सेक्टर्सनी अंदर आपणे पेन जोयुं छे। सौथी पहेला शुरुआत सेक्टोरली ज्यां आपणने सौथी वधारे क्रेक्स देखाय एनी पर करीए, ऑटो काउंटर्स, ऑटो काउंटर्स पर नजर करो जेनी अंदर सौथी पहेला तो हीरो मोटोकॉर्प 6.5% नीचे, टाटा मोटर्स 5.25% नीचे अने मारुति सुजुकी जेवा काउंटर्स सौथी वधारे क्रेक करता देखाई रह्या हता। बट आ बधानी वच्चे खास मार्केट्स में हवे केवी रीतना अप्रोच राखवो एनी चर्चा करी सुंदरम म्युचुअल फंडना एमडी अने साथे ज सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साथे। हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले क्रूड पे जो न्यूज आते हुए हम लोगों ने देखा है उसकी उसके ऊपर मैं शुरुआत करना चाहूंगी। इंडिया के लिए नेगेटिव है, ओके आपणे थोड़ुक फरी एक वक्त कनेक्ट करवा ट्राई करीशु, त्यां सुधी बाकी ना लेवल्स पर नजर करिए। ऑटो काउंटर्स की आपणे वात करी रह्या था जे क्रेक्स फेस करी रह्या छे, ए सिवाय प्राइवेट बैंक्स की बात करिए आपणे, जेमां एक्सिस बैंक लगभग 5% नीचे हतुं, इंडसइंड बैंक नी अंदर 3.25% नो क्रेकडाउन हतो, आईसीआईसीआई बैंक लगभग 3% नीचे हतुं, एटले प्राइवेट बैंक्स तरफथी एक सारू एवुं ड्रेग आज दिवसे भी आवतुं देखायुं। ऑटो काउंटर्स नी अंदर पण सेल ऑफ हतुं अने ए सिवाय मेटल काउंटर्स पण सवारना सेशनमां थोड़ा घणा पॉझिटिव हता, त्यांथी मेटल काउंटर्स नी अंदर पण प्रोफिट बुकिंग सेकंड हाफ नी अंदर आपणे विटनेस कर्युं, तो एना लीधे मार्केट्स नी अंदर थोड़ुंक नर्वसनेस आगळ वधती देखाई। गेनिंग काउंटर्स में मात्र 6 काउंटर्स हता जे ग्रीन झोन में हता, जेमां गेल સૌથી વધારે 2% ઉપર, ટાઇટનના કાઉન્ટર માટે લગભગ 1% અપસાઇડ મૂવ, એચયુએલ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, ડોક્ટર રેડીઝ અને ઇન્ફોસિસ આ બધા કાઉન્ટર્સ અંદર ગ્રીન ઝોનમાં કામકાજ હતું, બાકી ઓવરઓલ આપણે સેન્ટિમેન્ટ નેગેટિવ જ જોયું છે। આપણી સાથે આગળ ચર્ચા કરવા માટે સુનિલ સુબ્રમણ્યમ સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એમડી અને સીઈઓ પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે। સર સ્વાગત છે આપકા શો પર ઓર બહુ બહુ શુક્રિયા આજ મેરે સાથ જુડને કે લીએ, ક્યુંકી સિચ્યુએશન અબ और ज्यादा थोड़ी वर्सन आउट होते हुए हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने पिछली बार बात की थी उससे ये आज जो रिएक्शन दिखा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो जंप दिखा था उसको मार्केट्स ने थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया है। आई अग्री रुपी भी 72 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इन सारे ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हुए आपको किस तरीके से लग रहा है इंडिया के लिए कितना ड्रैग डाउन आ सकता है, क्योंकि आपने बताया था पिछली बार फंडामेंटली तो हम अभी भी स्ट्रांग सेंटिमेंट आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्या थोड़ी और नेगेटिव हो सकती है मार्केट्स के लिए? मेरे ख्याल में नहीं होगी और नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है ना, ये इनिशियल रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड के ऊपर जो ड्रोन अटैक हुआ था, और उसके बाद क्या है कि ठीक से क्लैरिटी नहीं आई है सऊदी अरेबिया अरमको की ओर से कि कितने दिन में हम वापस वो जो डैमेज है उसको रेक्टिफाई करके वापस प्रोडक्शन बढ़ा सकें, उन वहाँ पे शायद वो अभी भी स्टडी कर रहे हैं डेप्थ ऑफ द डैमेज को, और इसीलिए मार्केट ने, ऑयल की मार्केट ने, करेंसी की मार्केट ने एक अनसर्टेंटी या डरावट का प्रीमियम ऑयल के प्राइस में इंट्रोड्यूस किया है। आज रात को एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरमको का और सऊदी अथॉरिटीज का, जहां पे वो एक क्लैरिटी देंगे, और मेरे ख्याल में
अगर उन्हें क्लैरिटी दे दिया कि दो महीने के अंदर या तीन महीने के अंदर वापस रेस्टिट्यूट कर देंगे वो डैमेज्ड ऑयल फील्ड को और वापस प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑयल की दाम थोड़ी ईज होनी चाहिए। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड जो कहते हैं हम ब्लैक स्वान इवेंट था, और इसलिए मार्केट ने भी एक प्रीमियम उसके ऊपर लगा दिया है वॉलेटिलिटी का। तो मेरे ख्याल में जैसे ही इन्फॉर्मेशन फ्लो आ जाएगी, और यूएस से भी चांसेस है कि वो अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है जो ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी क्लैरिटी आएगा अगले दो तीन दिन में। तो मेरे ख्याल में थोड़ी ईजअप हो जाएगी ये सिचुएशन, और इससे खराब मैं नहीं मानता हूं कि हो सकती है इंटरनेशनल प्रेशर्स के कारण, क्योंकि ओवरऑल ऑयल का डिमांड क्योंकि ग्लोबली एक स्लोडाउन है, रिसेशन हो रहा है जर्मनी और यूके और बाकी यूरोप में, और यूएस में भी स्लोडाउन हो रहा है, तो ऑयल का डिमांड तो घटना चाहिए। तो ऑयल के ऊपर प्राइसेस की अपवर्ड प्रेशर में नहीं देख रहा हूं, ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था जिसके कारण ऑयल की प्राइस बढ़ गई। तो मेरे ख्याल में क्लैरिटी आने से ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगी ऑयल की प्राइस, और लॉन्ग टर्म इनफैक्ट अगर इंडियन इकोनॉमी का आएंगे तो अगर वो सस्टेन्ड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा रहे तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर और जो ऑयल रॉ मटेरियल क्रूड का रॉ मटेरियल यूज करते हैं इंडस्ट्रीज वहां पे असर देख सकते हैं। पर मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, तो इससे वीकन और वर्सन नहीं होने का सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, शांति आनी चाहिए थोड़ी देर। ओके अग्रीड सर। सर एक थीम मैं ये भी समझना चाह रही थी, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी जो बढ़े हैं, ऑनशोर कंपनीज के लिए बात करें, प्रोडक्शन एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए बात करें, इसको आप कितना पॉजिटिव गिन रहे हैं? क्या ये राइट टाइम है उसको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर ये सारे स्पेसेस ऐसी है जहां पे हम लोग टचअप ऑन नहीं करते, इतनी बातें नहीं करते, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का जो जंप आया है क्रूड में, उसकी वजह से ये सारी कंपनीज थोड़ी पॉजिटिव टर्न आउट हुई है, क्या फंडामेंटल्स वहां पे इतने इंटैक्ट है कि यहां पे अप्रोच किया जाए? नहीं नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि जैसे मैंने कहा ग्लोबल स्लोडाउन है, इंडिया में भी स्लोडाउन है, तो ऑयल का डिमांड ज्यादा मैं बढ़ते हुए नहीं दिख रहा हूं शॉर्ट टर्म में, तो इसके कारण मेरे ख्याल में इस इवेंट को छोड़कर ऑयल के दाम कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो स्टेबल ही रहेंगे अराउंड 60 to 65 डॉलर्स ब्रेंट क्रूड। तो यहाँ से अभी एक कॉल लेके ऐसे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी में पैसा लगाना सही नहीं होगा, ऑब्जर्व करना चाहिए सिचुएशन। कुछ वर्ल्ड में सीवियर शॉर्टेज आती है तो ऐसी बातें बन सकती है, तो ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन के ऊपर वो मार्केट ऑलवेज रिएक्ट करेगी कि जब ये होती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे दाम बढ़ते हैं, मगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के पीछे जाए, सिचुएशन को वेट एंड वॉच करना चाहिए अगले दो तीन महीने में। ओके, रिस्टोरेशन वैसे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आएंगे तो उसके ऊपर हम लोग और भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो सेक्टर को छोड़ के मैं एफएमसीजी के ऊपर आपकी कमेंट्स चाह रही थी, क्योंकि इतने बड़े क्रैकडाउन में भी हम लोग एफएमसीजी कंपनीज पॉजिटिव टर्नआउट होती हुई देख रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ की तो हमने पिछली बार भी बात की थी, टाइटन, नेचुरल, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स आज भी जितने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मैंने पढ़ा है उसमें नियरली 300 to 400 रुपीज का टारगेट रिविजन हुआ है अपवर्ड साइड। क्या आप इसी बात को कॉन्कर करते हैं अर्निंग्स के फ्रंट पर, एफएमसीजी सबसे पहला होगा जहां पे हम लोग ये सुधार आते हुए देखेंगे? और रिसेंटली मैंने तो टाइटन के मैनेजमेंट की कमेंट्स भी सुने थी जो बोल रहे थे कि सेंटिमेंट अब सुधर रहा है, इनफैक्ट सेकेंड हाफ में 20% से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीदें की जा रही है, क्या उसको एक पॉजिटिव साइन गिननी चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो तीन चीजें इसको सपोर्ट करने वाली चीज, पहली है कि ये फेस्टिवल सीजन की शुरुआत है तो नेचुरली एक कंजम्पशन की बड़ा थोड़ी बूस्ट देखेंगे, पीपल चेंज ओवर करेंगे अपने पुराने आइटम्स को और नए आइटम्स को खरीदेंगे। वन सेकंड, मानसून की खबर ही, पहले जो डेफिसिट की बात कर रहे थे अभी 3% पॉजिटिव मानसून की बात करें तो रूरल इकोनॉमी में भी एक कॉन्फिडेंस आएगी परचेसेस करने के लिए। तीसरी चीज़ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की आउटपुट की प्रिंट आउट आई थी और उसके साथ में इन्फ्लेशन की आउटपुट की प्रिंट आउट थे तो इन्फ्लेशन में थोड़ी बढ़त भी दिख रही थी, तो उसके कारण मैं मानता हूँ कि लो इन्फ्लेशन ही रूरल इकोनॉमी को बहुत हर्ट कर रही थी इतने साल से। अब लास्ट दिसंबर तक एक्चुअली बात है कि फूड प्राइसेस नेगेटिव इन्फ्लेशन पे चल रहे थे, तो नेचुरली एक फार्मर की कॉन्फिडेंस नहीं थी कुछ खरीदारी करने के लिए, पर जैसे ही अभी धीरे धीरे फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं तो थोड़ी इन्फ्लेशन में भी बढ़त दिख रही है, तो मैं मानता हूँ कि रूरल कंजम्पशन के एक पॉजिटिव व्यू है। तो नेचुरली एफएमसीजी में ना कोई एनबीएफसी सेक्टर का लेंडिंग की जरूरत है ना कोई, खाली ये सेंटिमेंटल परचेज होती है और फेस्टिवल में सेंटिमेंट बहुत हाई लेवल
लेवल पे होती है, तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली जब रिकवरी आएगी, और ऐसी नहीं है कि जो पहले इसमें एफएमसीजी स्टॉक प्राइसेस में पहले जो करेक्शन आपने देखा था और बाद में अभी रिकवरी की बात हो रही है, वो करेक्शन इसलिए हुई थी क्योंकि ग्रोथ वो बहुत डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रही थी मार्केट और उसके कारण उसको करेक्ट हुआ। अभी जो डिसेंट सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है वो एक पॉजिटिव फीचर है, क्योंकि जहां पे ऑटो में आपको नेगेटिव ग्रोथ दिख रही है, एटलीस्ट ये एक सेक्टर है जहां पे एक सिंगल डिजिट पॉजिटिव तो दिख रही है, तो नेचुरली आपको यहां पे एक मार्केट में भी एक सेफ्टी ढूंढते हुए ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी देख पाएंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में भी मैं कहूंगा कि ये कंजम्पशन की है, बेसिक कंजम्पशन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वही होता है एफएमसीजी का एक्सपेंशन। यहां पे भी आप बाउंस बैक थोड़ी जल्दी देखेंगे क्योंकि थोड़ी तो कॉन्फिडेंस होगी कि इसमें ग्रोथ दिख रहा है। ओके, अग्रीड सर। और जिस तरीके से हम लोग अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट आईटी काउंटर्स के लिए देख रहे हैं, क्रूड की तो हमने बात की, लेकिन रुपी का क्लियरली एक इनवर्स रिलेशनशिप आईटी और फार्मा के ऊपर देखा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू यू, क्या रुपी में ज्यादा डिप्रिसिएशन की उम्मीद रखनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में से मैंने कहा ना, ऑयल की प्राइसेस में ही मैं करेक्शन बैक टूवर्ड्स 65-64 लेवल्स देख रहा हूं, तो मेरे ख्याल में रुपी भी स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक रुपी का डिप्रिसिएशन का प्ले अभी बनता है, और ये आईटी में जो बाउंस बैक है उसमें मानता हूं कि रुपी डिप्रिसिएशन की स्टोरी है, मगर ये स्टेबलाइज होनी चाहिए बिकॉज ये, जैसे मैंने कहा, ये ऑयल शॉक के कारण रुपी शॉक ऑटोमेटिकली उसके साथ आता है, तो ये इम्पैक्ट दिखता है आपको, मगर एक लॉन्गर टर्म प्ले के लिए आईटी एक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए एज अ सेफ्टी प्ले, बट ऐसा नहीं कि रुपी डिप्रिसिएशन बहुत होगी इसलिए आपको जाके प्ले करना है, वो नहीं मैं मानूंगा। ओके, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और कंप्लीट पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। अगली बार जब हम लोग बात करें और भी सेक्टर्स पे डिटेल में बातचीत कर पाए। थैंक यू सर। तो जे रीतना जोई रहा था आपणे मार्केट सी अंदर अप्रोच पर खास ध्यान राखवू जोईए। क्रूड माटे मोमेंटरली अ जम्प जोई रहा छे, थोड़ुक स्टेबल थतो देखाशे अने रुपियानी स्ट्रेंथ पर पाछी फरती देखाशे। आने लगता जेटला पर सेक्टर्स छे एनी उपर आपणे फरीथी खुद रिव्यू भी करीशुं केवी रीतना परफॉर्म करे छे। एनी साथे ज एक विराम लई लईए, विराम बाद जाणीशुं टाटा इन्वेस्टमेंट कोर्पोरेशनना इन्वेस्टमेंट मेनेजर विशाल जाजुनुं जे मानवुं छे मार्केट्सनी उपर इकोनॉमिक स्लोडाउननी साथे क्रूडना भाव आ स्तर पर टक्या तो अर्थतंत्र पर असर पड़ती पण देखाशे। આ વધુમાં એનાલિસિસમાં તમે શું કીધું એ જાણીશું આપણે।